मुंबई की कस्तूरबा मार्ग पुलिस ने बंटी बबली और उसके साथी को गिरफ्तार किया है, जो मुंबई से बुलेट गाड़ी चुराकर नासिक में बेचने का काम करते थे। दरअसल यह दोनों प्रेमी और प्रेमिका है। मुंबई के कस्तूरबा मार्ग पुलिस स्टेशन के हद में भाड़े के घर से रहते थे, लेकिन आधी रात को यह लोग अपने आसपास में खड़ी बुलेट को चुराकर उसे कहीं सुनसान जगहों पर रख देते थे और मौका मिलते ही उस बुलेट को नासिक ले जाकर बेच देते थे। इस पूरे मामले में कस्तूरबा मार्ग पुलिस को लगातार यह शिकायत मिल रही थी कि कस्तूरबा की हद में बुलेट चोरी हो रही है। इस शिकायत के बाद मुंबई कस्तूरबा पुलिस के एपीआई ओम टोटावर ने पूरे मामले की जांच शुरू की। जांच में कई बड़े अहम खुलासे हुए। दरअसल पुलिस को चकमा देने के लिए यह दोनों शख्स आधी रात के बाद निकलते थे और अपनी मासूका को घटनास्थल से थोड़ा दूर रखकर खुद बुलेट घसीटते हुए लेके जाता था और बाद में बुलेट को बिना चाबी के डायरेक्ट स्टार्ट करने के बाद वह उसे सुनसान जगहों पर ले जाकर खड़ा कर देता था। लेकिन उसी रात की सुबह में यह दोनों नासिक के लिए निकल जाते थे और वहाँ नासिक में पहले से मौजूद एक शख्स को इस बुलेट को 20 से 25 हज़ार में बेच देते थे। फिलहाल इस मामले में मुंबई की कस्तूरबा मार्ग पुलिस ने 3 बुलेट और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें बंटी और बबली शामिल है। पूछताछ में जानकारी मिली कि बंटी और बबली अपना घर बसाना चाहते थे, इसलिए यह लगातार चोरी को अंजाम दे रहे थे। वो तो सही में बंटी बबली है। नवंबर 22 से लेके लगातार कस्तूरबा मार्ग पुलिस स्टेशन में बुलेट चोरी हो रहा था। लगातार 3 क्राइम हो गए, तीनों भी बुलेट चोरी हो गया और वो भी एक ही एरिया से चोरी होता था। तो हमें तो पता नहीं चलता था कि ये कौन है। आने वाले जाने वाले सब सीसीटीवी हम चेक कर रहे थे, लेकिन कुछ सुराग नहीं मिल रहा था। फिर आखिरी बुलेट का हमें सुराग मिला, तो उसको पहचानने वाले नहीं थे, वो एरिया में नया था, इसलिए उनको पहचानने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, फील्डिंग लगाई। वो जब चौथे बुलेट के चक्कर में आया तब उसको हमने रेड हैंड पकड़ाया, फिर उसको ही उसके विजुलाइज दिखाए तो फिर वो सरेंडर हो गया कि यस मैं हूँ। बहुत ही शागिर्द है, 13 महीने जेल में रह चुका है। इगतपुरी, वाशिम, ठाणे, बदलापुर, इस सब जगह पे उसके लगभग 5 गुने यही टाइप के दाखिल हैं। बुलेट का चाबी की ज़रूरत नहीं उसको, बुलेट तो एकदम सीधी गाड़ी है, उसको डायरेक्ट करके वो थोड़ा बाहर निकाल के फिर स्टार्ट करके बाहर निकाल के बाद वो लड़की को पीछे बिठाता था और फिर बाकायदा पुलिस के नाकाबंदी से भी जाएगा तो पुलिस
ज़्यादातर कोई लेडीज़ हैं तो नहीं रोकती हैं, तो इसका फ़ायदा उठा के वो आम तौर पे चोरी करके यहाँ से निकल जाता था। मुंबई के बाहर ओझर, जैसे कि नासिक के वो बाजू में एक 10-20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ओझर नाम का सिटी है, वहाँ जाके वो बुलेट बेचता था। सर कितने बेचता था? ऊपर प्राइस है उसका, लेकिन ये चोरी का बुलेट लगभग 20-25 में बेचता था और फ्री होता था। सर बंटी और बबली के अलग अलग बैकग्राउंड क्या है, दोनों का अलग अलग इस केस में रोल क्या, बताइए। इसमें जो आप जिसे बंटी बोल रहे हैं वो महेश खापरे, उसका उम्र है 27 साल, वो मुरबाड़ का रहने वाला है। वो यही टाइप की चोरी करता है, लगभग 13 महीना वो जेल में रह के बाहर आया था। और इसे जो लड़की मिली है उसका लीव रिलेशन था उसके साथ में, उसके साथ शादी करनी है उसको, लेकिन फिर भी चोरी करने को जाता था तो उसको साथ में लेके जाता था। वो ये कि वो एक ही एरिया में नहीं रहता है, ऐसा कि अभी वो 5 गुना दाखिल है वहाँ तो वो पूरा पहचानने में आए, तो अभी राजेंद्र नगर में उसने एक छोटा सा घर रेंट पे लिया था, उसमें वो रहते थे ताकि ये एरिया में उसको पहचानने वाले कोई नहीं। रात के समय निकलता था और चलते चलते कोई बुलेट दिखी बस उसको धक्का मार के कंपाउंड के बाहर निकलता था और डायरेक्ट करके वो चालू करता था।